नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, ये बहुत ही बड़ी खबर है जेई नीट 2020 को लेकर। तो जेई नीट परीक्षाएं टालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने किया पीएम आवास पर फोन, और क्या मिला जवाब उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उन्होंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया है और ये जो खबर आई हुई बिल्कुल लेटेस्ट है 31 अगस्त 2020 को। तो आई होप फोन द पीएम रेजिडेंस दिस मॉर्निंग टू ट्राई वन लास्ट टाइम फॉर पोस्टपोनिंग नीट जे एग्जाम बियॉन्ड दीपावली। द ऑफिस सेक्रेटरी सेड दैट ही विल कॉल बैक इफ दैट हैपेंस आई विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लास्ट बार ट्राई किया गया है कॉल पे। उनके सेक्रेटरी ने बताया है कि मैं उनको बता दूंगा, वो आपको कॉल बैक करेंगे। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं, देखिए जेई नीट 2020, ये जो खबर आई हुई बिल्कुल लेटेस्ट है, इंडिया टीवी पर उड़ती हुई खबर आई हुई है कि जेई नीट परीक्षा टालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने किया पीएम आवास पर फोन, और क्या जवाब मिला है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर फोन किया। स्वामी ने इस फोन के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी है, जो मैंने आपके साथ साझा किया है। जेई नीट परीक्षाएं सितंबर में करवाई जाने की घोषणा के बाद लगातार इन्हें टालने की कोशिश जारी है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सरकार की घोषणा के उलट इन परीक्षाओं को दिसंबर बाद करवाने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। वे पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री से इन्हें टालने की गुजारिश भी कर चुके हैं। इस बीच परीक्षाओं को स्थगित करवाने के आखिरी प्रयास के तहत आज सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर फोन किया। स्वामी ने इस फोन के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज सुबह दीपावली से परे नीट जेई परीक्षा स्थगित करने के लिए आखिरी बार प्रयास करने के लिए आज सुबह पीएम आवास पर फोन किया। कार्यालय सचिव ने कहा कि वे कॉल बैक करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं छात्रों को सूचित करूंगा। ये किसने कहा? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो नीट और जेई के स्टूडेंटों के लिए उन्होंने लास्ट बार ट्राई किया था। ये रहा उनका ट्वीट जो मैंने आपको पहले ही पढ़ के दिखाया था 10:19 पर मॉर्निंग में 31 अगस्त 2020 को, और इसको 132.3 के लाइक मिले हैं और 52,004 के इस पर कमेंट्स आए हैं। तो दोस्तों, ये रहा न्यूज़ जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले भी स्वामी छात्रों के साथ ट्विटर पर संवाद कर चुके हैं। पिछले हफ्ते स्वामी ने लिखा था कि स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, इस स्तर पर मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन परीक्षा के सवाल पर उम्मीद नहीं खो रहा हूँ। दूसरे में उन्होंने प्रधानमंत्री को छात्रों के साथ सहानुभूति करने के लिए कहा। राज्यसभा सांसद ने लिखा, क्या सरकार को इस बिंदु पर NEET जेई परीक्षा यानी नीट और जेई परीक्षा आयोजित करने का एहसास है कि बड़े शहरों में अमीर माता पिता के बच्चों के पक्षधर हैं, पिछले 5 महीनों में गरीब और निम्न मध्य वर्ग के बच्चों को इंटरनेट या पुस्तकालयों या सामूहिक अध्ययन में जाने की क्षमता नहीं है, इन बच्चों को पीएम सहानुभूति रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए एग्जाम स्टोर के साथ, देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।